में जो उठापटक चल रही है किस तरह से देखते हैं वहां की राजनीति? तो वही बोला ना, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी, सारे लोग गए, अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहां छापा पड़ा था, अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में बंद जगह स्थान मिल गया उनको, कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। वैसे लंबा फेरिस्त है, बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में, जितने नेताओं के नाम गिन लीजिए वो सारे नेता पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था, लेकिन जैसे भाजपा में गए सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक भूल के बाहर आ गए, खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब कोई मुख्यमंत्री बना है तो कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना है तो कोई मंत्री बना है, तो इस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।